हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बच्चों में बुखार होने की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। खासकर छोटे बच्चों को बुखार आने पर माता पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कई बार साधारण बुखार होने पर भी माता पिता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर बच्चों को बुखार वायरल संक्रमण के कारण होता है? इसे वायरल फीवर भी कहते हैं। और दोस्तों, आपको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है, आसपास की दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चों में बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, इसलिए वे बाहरी संक्रमण से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण बार बार बाहर जाने से बच्चे संक्रमित होते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आयुर्वेद में बच्चों के बुखार को ठीक करने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे बताए हैं? और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो आइए जानते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो कि आपके बच्चे का बुखार उतारने में मदद करेगा। नंबर एक, बच्चों को बुखार आने के कारण। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को बुखार क्यों आता है। दोस्तों, बच्चों को बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाने के कारण। नंबर दो, संक्रमित जल और भोजन के कारण। नंबर तीन, ये संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को बहुत तेजी से फैलता है, इस कारण स्कूल में एक साथ कई बच्चे पीड़ित हो जाते हैं। नंबर चार, कई बार बच्चों के दांत निकलने की समस्या भी बुखार का कारण बन जाती है। नंबर पाँच, मौसम में बदलाव आने की वजह से भी बच्चों को बुखार आने लगता है। नंबर छह, अधिक ठंडी चीजें खाने और वह बासी चीज खाने से भी यही समस्या होती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। नंबर एक, बच्चों के बुखार का घरेलू उपाय है सेब का सिरका। गर्म पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिला लें, इसमें कपड़ा भिगोकर निचोड़ लीजिए, इससे अपने बच्चे के शरीर को पोंछ लीजिए। नंबर दो, बच्चों के वायरल बुखार का इलाज है गिलोय। दोस्तों, गिलोय का रस बुखार के लिए रामबाण दवा है, ये बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए काम आता है। बच्चों को थोड़े से गिलोय के रस में शहद मिलाकर दीजिए, आप ऐसा दिन में तीन बार जरूर करें। नंबर तीन, अदरक से बच्चे के बुखार का इलाज। अदरक को पीसकर अदरक का रस निकाल लीजिए, आधा चम्मच रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को चटा दीजिए, इससे बुखार उतर जाएगा। नंबर चार, जायफल से शिशुओं के बुखार का उपचार। जायफल को पीसकर बच्चों के नाक, छाती और सर पर लेप की तरह लगा दीजिए, ये बच्चों के बुखार को जल्दी ही कम करने में मदद करता है। नंबर पाँच, काली मिर्च से बच्चे के बुखार का इलाज। दो काली मिर्च और तुलसी के दो पत्तियों को पीसकर शहद में मिलाकर बच्चे को चटा दीजिए, ऐसा आपको दिन में दो से तीन बार जरूर करना है, इससे बच्चे का बुखार जल्दी ही उतर जाएगा और आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।